मेरा नाम तैयब आसा है, मैं जंग से हूँ, जंग कोटलाखाना से। और मैंने क्रिकेट शुरू की थी अपने मामू को देखते हुए, वो मेरे मामू क्रिकेट खेला करते थे, उनके साथ मैंने खेलना शुरू कर दिया। मैं उधर अपने गांव में क्रिकेट खेला करता था, वहां पर मुझे सभी लोग मलिंगा के नाम पे बुलाने लगे कि आपका स्टाइल मलिंगा जैसा है। यहां पर मुझे सराके मलिंगा कहते हैं और मेरे दोस्त हैं वो भी मुझे मलिंगा कहते हैं। बचपन में मैं वेल्डिंग का काम सीखा हूं और वेल्डिंग ही करता रहा, अपनी दुकान बनाई रखी 2-3 साल की। उसके बाद अपने अब्बू के साथ जलेबी समोसे का काम करता था, साथ में क्रिकेट भी खेलता रहता था। लेकिन अब्बू मुझे कहते थे कि आप क्या टाइम ज़ाया करते रहते हो क्रिकेट में। लेकिन जब मैं फाइनली इधर जब सेलेक्ट हुआ था लाहौर कलंदर में, उसके बाद मुझे अब्बू सपोर्ट करने लगे। उसाका फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम कर रहा था, न्यूज़ के ज़रिए मुझे पता चला था कि उधर ट्रायल हो रहे हैं। जिस दिन ट्रायल हुए थे उस दिन जब मैं इधर पहुँचा रोड पे, तो रोड पे ज़्यादा रश था, और उसके बाद ग्राउंड में ज़्यादा रश था, और उसके बाद गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बड़ी मुश्किल से मुझे नंबर मिला, और नंबर जब मिला था तो मैंने बॉलिंग की, और सर राकेब ने और डेरन गॉफ ने मुझे बहुत पसंद किया, और मेरी बॉलिंग स्पीड देखी उन्होंने, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा लाइक किया, और 2-3 राउंड मुझे खिलाए। 2-3 राउंडों के बाद मुझे फाइनली सिलेक्ट कर लिया। घर वाले पहले तो क्रिकेट में सपोर्ट नहीं किया करते थे, जब मेरी सिलेक्शन हुई हार्ड बॉल में उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। क्योंकि हमारे जंग में इतनी ज़्यादा तो फैसिलिटी नहीं है, तो इधर काफ़ी चीज़ें हैं, जिम है, ग्राउंड ट्रेनिंग है, उसके बाद आस्ट्रो है। जहाँ पर ट्रेनिंग की जो बात की जाए, सराकेब हैं, उस्ताद बाट साहब हैं, और हमें रोज़ाना शेड्यूल मिल जाता है। आज आपने बॉलिंग करनी है ट्रफ विकेट पर, या आस्ट्रो पर बैटिंग करनी है, या ट्रफ पे बैटिंग करनी है, और उसके बाद जिम करना है, ग्राउंड ट्रेनिंग करनी है, और डाइट प्लान भी हमें दिया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। हमारा मैच हुआ था पीएसवी 11 के साथ, तो वहाँ पर मैंने हर्ष भाई के साथ अच्छा स्पेल किया था, और मेरी अल्लाह के फजल करम से अच्छी परफॉर्मेंस रही, और मैंने आबिद अली को बोल्ड किया था। मेरा ख्वाब था कि मैं बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलूं, और अब मेरा नाम आया है जिम एफ्रो टीम 10 लीग में। बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े नाम खेल रहे हैं, आसिफ भाई हैं हमारी टीम में, और आमिर भाई हैं, इंशाल्लाह उनके साथ खेलूंगा और अच्छा परफॉर्म करने जाऊंगा। सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर आकिब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और अब तक कर रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है कि मैं लाहौर कलंदर की तरफ से खेलूं और अच्छा परफॉर्म करूं, उसके बाद मेरा पाकिस्तान में नाम आए और पाकिस्तान के लिए खेलूं और सबसे अच्छा परफॉर्म करूं, यही मेरा ख्वाब है।